नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। घटना चक्र के करंट अफेयर्स पॉइंटर वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत यह भाग दो का वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जून 2020 से जून 2021 तक घटित प्रमुख राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो श्रृंखला विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसे विभिन्न भागों तथा शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम घटनाचक्र के सारे शीर्षकों का एक एक कर अवलोकन करेंगे, ताकि महत्वपूर्ण घटनाओं का हम लोग अवलोकन कर सकें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग योजना एवं विभिन्न परियोजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों, यहाँ याद रखिएगा यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया है 29 मई 2021 को। इस योजना का नाम रखा गया है युवा प्रधानमंत्री योजना। यहाँ युवा का अर्थ है युवा, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। युवा यहाँ पर युवा योजना में युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा योजना अंग है इंडिया एट 75 परियोजना का, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंग के रूप में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जो 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखक होंगे उनको भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे देखते हैं। ISAC 2020 के तहत घोषित सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता हैं इंदौर और सूरत। इसी अवार्ड के अंतर्गत जो घोषित राज्य है स्टेट अवार्ड जो है वह दिया गया है उत्तर प्रदेश को, वहीं मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आया है। इसके बाद है ISAC 2020 के ही तहत केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता है चंडीगढ़, और ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष 3 विजेता हैं। पहले स्थान पर है अहमदाबाद, उसके बाद वाराणसी और तीसरे स्थान पर रांची। रांची अत्यंत ही महत्वपूर्ण है JPSC एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब के वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत 24 मार्च 2021 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन जाता है इसी में कि ग्राम उजाला योजना किससे संबंधित है, तो वहनीय दर पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब के वितरण से संबंधित यह परियोजना है। उजाला ग्राम उजाला योजना में LED बल्ब की कीमत क्या रखी गई है, तो 10 रुपये प्रति बल्ब। अब यहाँ है कि ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा किसके द्वारा, तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा इन बल्बों का वितरण किया जाएगा। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है, तो यह पूर्णतः वित्त पोषित है कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा इस परियोजना का वित्त पोषण किया गया है। इस योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा वे हैं, पहला है आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र तथा पश्चिम गुजरात के गांव में
1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमन को मंजूरी प्रदान की गई है, वह है रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम। रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम स्थित है जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर। वही है कि झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है। 17 मार्च 2021 को इस अभियान का नाम रखा गया है समर अभियान। यहाँ समर का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसके पश्चात है कि 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का भाग है। ध्यान रखिएगा, बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के खंड प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत जो पाइपलाइन होगी उसकी कुल लंबाई 3384 किलोमीटर है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी, तो यह लद्दाख में स्थापित की जाएगी। इसके पश्चात है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसका नाम है स्टार्स परियोजना। स्टार्स परियोजना में स्टार्स का पूर्ण रूप है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा, वे राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में स्टार्स परियोजना को का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला है कि स्टार्स परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग जो है वह विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आगे है कि 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई 1506 किलोमीटर है। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, तो यह भारतीय रेलवे का समर्पित माल वहन गलियारा है, जो कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों दिशाओं में माल वहन के लिए यह बनाया जा रहा है। इसके पश्चात है कि 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 ईस्वी को इस रेलगाड़ी को या कंटेनर ट्रेन को रवाना किया है। वहीं आगे है कि विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, कहां से कहां तक, तो न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक इस डबल स्टैक रेलगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। आगे है कि देश भर के दलित एवं वंचित बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मी इंडिया या एमआई इंडिया
ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर इस नई शिक्षा पहल की घोषणा की है। तो उसका नाम है हैशटैग शिक्षा हर हाथ, या ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चला था हैशटैग शिक्षा हर साथ, और यह शिक्षा पहल मी इंडिया तथा सोनू सूद के द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा कपिला अभियान को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कपिला का पूर्ण रूप है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। इसके माध्यम से बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता का सृजन किया जाएगा। आगे है कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। वह 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जो प्रमुख है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में यह आधारशिला रखी गई थी। आगे है कि 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। तो न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड के अंतर्गत ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। वहीं पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात है कि 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देश्यीय परियोजना का उद्घाटन किया है। थौबल बहुउद्देश्यीय परियोजना स्थित है तो मणिपुर में, ध्यान रखिएगा थौबल बहुउद्देश्यीय परियोजना स्थित है मणिपुर में। आगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया है। तो 26 दिसंबर 2020 ईस्वी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत को लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। वहीं सेहत योजना में सेहत का पूर्ण रूप है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। सेहत का पूर्ण रूप सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन है। इसके पश्चात है 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना PMSSC हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि है लगभग 6,000 करोड़ रुपये वार्षिक। यह जो योजना है 5 वर्षों की अवधि के लिए 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान यह लागू रहेगी। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है केंद्र प्रायोजित एक योजना का हिस्सा है। वहीं इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो हिस्सेदारी होगी वह 60-40 रेशियो में होगी। PMSSC योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कुल खर्च किया जाएगा कितना, तो 59,048 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। आगे है दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास, ध्यान देने वाली है बात है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिस देश की मदद से शुरू किया जाएगा वह देश है फ्रांस। और इसका जो पहला उत्कृष्टता केंद्र होगा वह राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में स्थापित किया जाएगा। आगे है भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा
भारत का 8वां उत्पादन वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो 20 दिसंबर 2020 को 8वां उत्पादन वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह वैक्सीन बंगाल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है तथा इसमें दो वैक्सीन यह वैक्सीन अवस्थित है, अशोक नगर एक, उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में। आगे 15 दिसंबर 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। तो कच्छ गुजरात में भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है और गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे इस हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता 30,000 मेगावाट होगी। आगे है कि 15 दिसंबर 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र या का शिलान्यास किया है। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है मांडवी कक्ष गुजरात में समुद्री जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करने हेतु एक विलवणीकरण संयंत्र की का शिलान्यास किया जा रहा है शिलान्यास किया गया है। आगे है 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इस निवेशक मानचित्र को लॉन्च किया गया है। इस निवेशक मानचित्रण में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया है। निवेश अवसर क्षेत्रों को इसे इसके अनुकूल चिन्हित किया गया है 18 निवेश अवसर, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात है कि 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस को लॉन्च किया गया है। आगे है कि 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, यह दो संस्थान प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। आगे है 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये 3 परियोजनाएं हैं किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा गिरनार रोपवे। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात है जो जिला टनल की आधारशिला, इस टनल की आधारशिला 15 अक्टूबर 2020 को रखी गई है तथा यह सुरंग श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगी जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य है जो जिला सुरंग से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है 12 अक्टूबर 2020 ईस्वी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा इसकी लंबाई 450 मीटर इसकी लंबाई होगी।
आगे है, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अटल टनल या अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के दो स्थानों मनाली जो कुल्लू घाटी में स्थित है तथा लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। इस सुरंग यह जो सुरंग है यह समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग 02 किलोमीटर। यह टनल हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रा से होकर यह टनल या सुरंग गुजरता है। इस टनल के माध्यम से मनाली और लेह के मध्य के जो बीच की दूरी है वह 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। आगे है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 3.5% की वृद्धि देखी गई। वहीं भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% था। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान 23वां है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का विश्व में स्थान 6ठा तथा 8वां है। वहीं भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के बीच के पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश हैं। पहले स्थान पर है बांग्लादेश और दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। इसके पश्चात है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। इसके पश्चात महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर और उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी तथा NCRB ने अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को पहली बार आरंभ किया है। नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल आरंभ किया था 21 अगस्त 2017 को। NCRB के द्वारा भारत में अपराध से संबंधित रिपोर्ट को जारी किया जाता है तथा सितंबर 2020 में NCRB ने भारत में अपराध शीर्ष 2019 शीर्षक के तहत यह रिपोर्ट जारी की है। अब है कि भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध या पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले उत्तर प्रदेश में है, यानी वैसे मामले जिन्हें की रिपोर्टिंग की जाती है या थाने में इसके विरुद्ध रिपोर्ट या लिखवाई जाती है ताकि उचित कार्रवाई किया जा सके। तो बालिकाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले उत्तर प्रदेश में हैं। वह राज्य इसके पश्चात है कि वह राज्य जहां भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं तो वह भी उत्तर प्रदेश में है। यहां संपूर्ण भारत का 25.8% पंजीकृत मामले पाए गए हैं। इसके पश्चात है कि भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता या IPC के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत कहाँ किए गए हैं वह भी उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष का 10.9% है। इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में साइबर अपराधों के मामलों में 63.5% की वृद्धि देखी गई है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वर्तमान समय में साइबर अपराध अपने चरम स्थिति की ओर अग्रसर है।
और साइबर अपराध में सर्वाधिक 63.5% की वृद्धि 2019 में देखी गई है। आगे है मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1800-599-0019। यह हेल्पलाइन नंबर है और इस हेल्पलाइन नंबर का नाम दिया गया है किरण। आगे है कि 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे या रज्जू मार्ग का उद्घाटन किया गया है, वह है गुवाहाटी असम में इस रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इस रोपवे का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया है तथा इसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर स्थित है। यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। इसके पश्चात है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। इस मिशन का उद्देश्य था वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर 70 वर्ष करना, जो कि वर्तमान में 67.5 वर्ष है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संबंधी इन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा। पहला है हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी तथा टेलीमेडिसिन। आगे है कि वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था, शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ट्यूलिप प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप की जो संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था बजट 2020-21 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप की संकल्पना को किस बजट में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था, तो बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत ट्यूलिप संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। यह जो परियोजना है ट्यूलिप परियोजना या ट्यूलिप प्रोग्राम या स्मार्ट सिटी पहल का एक हिस्सा है। इसके पश्चात है कि पथ विक्रेताओं या स्ट्रीट वेंडर्स अथवा रेहड़ी वालों, रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका हेतु वह योजना जिसकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई थी तथा इस योजना कार्यकाल मार्च 2022 तक है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके पश्चात है इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को अपने व्यवसाय को दोबारा प्रारंभ करने के लिए उल्लेखनीय तथ्य है यहाँ पर कि कोरोना संक्रमण के कारण रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय को काफ़ी नुकसान पहुँचा था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम स्वनिधि परियोजना को लागू किया गया। इसके इस परियोजना के अंतर्गत या इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से प्रारंभ करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये का पूंजीगत ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात है कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी, यानी जो महीने का जो कैशबैक की राशि होगी वह 100 रुपये होगी और यह अधिकतम 1200 रुपये वार्षिक का कैशबैक इसमें प्राप्त किया जा सकता है। वहीं वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जाएगा, तो यह परियोजना केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी तथा इसके क्रियान्वयन के लिए पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी जो है वह सिडबी को, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को मनाया गया है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत कौन शामिल हो सकेंगे, 24 मार्च
2020 या उससे पूर्व से वेंडिंग या रास्तों पर सामान को बेचने वाले लोग ही इस परियोजना के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे। आगे है, 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति दी गई है। भारत में मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति के अंतर्गत रखा गया है, यानी मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांति प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसकी कार्यान्वयन अवधि जो है यह 5 वर्षों की है, यह 2020-21 से प्रारंभ होकर 2024-25 के वित्तीय वर्ष तक यह लागू रहेगी। इस योजना के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वह है 20,050 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया जाने वाला एक राष्ट्रीय नेटवर्क होगा, राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क। यह मूल रूप से उच्च मूल्य प्रजाति की मछलियों के उत्पादन के को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए इस नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। आगे है, मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने एवं ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जल कृषि में निर्भरता के लिए स्थापना की जाएगी। नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करना लक्षित किया गया है, यानी अगले 5 वर्षों में योजना अवधि के अंत तक यानी 2024 से 25 तक इसे बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करना है, जो मत्स्य उत्पादन के लिए औसत मासिक वृद्धि दर होगी, औसत वार्षिक वृद्धि दर होगी वह है 9%। और वर्तमान में भारत विश्व में मत्स्य निर्यातक राष्ट्रों की सूची में 4th स्थान पर अवस्थित है। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप अपने सुझाव एवं प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तथा हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि विभिन्न परीक्षार्थियों को या जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटे युवाओं को इससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।